पाकिस्तान टेरर ओके मेरे पास खबर आ गई है, कल पाकिस्तान से रिहा हो जाएगा भारतीय पायलट, इस बात की पुष्टि हो गई। इमरान खान ने कह दिया है, इमरान खान ने अपनी नेशनल असेंबली में बोलते हुए कह दिया है कल पाकिस्तान हमारे पायलट को रिहा कर देगा। कल से लगातार सोशल मीडिया पर आप उस पायलट का वीडियो भी देख रहे होंगे, उसे किस तरह से पहले वहां के स्थानीय लोगों ने पिटाई की उसकी, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सेना ने बचाया और उसके बाद उसके वीडियो भी रिलीज किए गए। अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है खुद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान भारत के पायलट को रिहा करने जा रहा है। जाहिर है उस पायलट की फैमिली के लिए, परिवार के लिए सोचिए जरा कितनी अच्छी खबर आई है। 4:35 पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से जहां ज्वाइंट सेशन चल रहा है, और उस ज्वाइंट सेशन में इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है कि कल हमारा पायलट यानी भारत का पायलट रिहा कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या इसी अच्छी खबर की बात कर रहे थे? न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए। राजीव, क्या बोले इमरान खान? मानक, बहुत बड़ी खबर है। भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बनाया था, आज नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सारी घटना पर अपना जब बयान दिया है, बयान देने के बाद एक बार के लिए वो बैठ गए थे और बैठने के बाद उनको फिर से याद आया स्पीकर दूसरे लोगों का नाम लेने जा रहे थे, तब फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक बात कहना मैं भूल गया था, और कल हम भारत के पायलट को छोड़ने जा रहे हैं और कल हम रिहा करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर, भारत देश को जिस खबर का इंतजार था, पायलट अब सकुशल कल भारत वापस अपनी सरजमी पे आ रहा है। बहादुर पायलट जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, मानक इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया था, भारत ने जो कूटनीतिक दबाव बनाया था, उसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पायलट को रिलीज करने का जो है ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय असेंबली में किया। बिल्कुल राजीव, अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि जो भारत का पायलट, भारत का लड़ाकू पायलट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसने पाकिस्तान के एक F-16 को गिराने के बाद जो हमारा भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसका पायलट जिसे पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, अब पाकिस्तान ने अपने तेवर ढीले कर दिए हैं और साफ साफ ऐलान कर दिया है इमरान खान ने आज नेशनल असेंबली में कि हमारे पायलट को पाकिस्तान कल रिहा कर देगा। जाहिर है राजीव, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं कुछ बातचीत चल रही है और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इस पायलट का रिलीज हो रहा है। राजीव देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हनोई से बयान आया था कि अच्छी खबर आने वाली है, तभी से यह अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि भारत और पाकिस्तान पर, भारत और पाकिस्तान के बीच पायलट को छोड़ने के मामले पर बातचीत हो चुकी है। इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बात कही थी कि अगर टेंशन कम करने के लिए पायलट को छोड़ना